This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो हमने लास्ट में यहाँ तक किया हुआ था ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद कंडीशनल एरर्स के साथ, एंड आज से हम करेंगे विजुअल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले देख लो। दिस लैब कंटेंस आर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। एसक्यूएल ही कर रहे हो, कुछ अलग नहीं। सो द एप्लीकेशन यूजेज आर ट्रैकिंग कुकीज फॉर एनालिटिक्स एंड परफॉर्म एसक्यूएल क्वेरी कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ सबमिटेड कुकीज। The result of the SQL queries are not returned. The database contains a different table called users, which columns called username and password. To solve the lab, find a way to leak the password for administrator user, then log in into their account. ठीक है, ये हमारा visual error based SQL injection होगा, जिसमें हम जो भी query चलाएंगे उसमें वो server पे हमारा, मान के चलो एक तरह से reflect होगा, वो हमको error provide करेगा या जो भी एरर जनरेट करेगा उसके थ्रू हम अपनी क्वेरी को फिक्स करेंगे, और बाद में फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड फाइंड आउट करके जस्ट लॉगिन करना है हमको। ठीक है, अभी देख लोगे कैसे करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लो। हमारा ट्रैकिंग आईडी जो था वो एसक्यूएलआई से वल्नरेबल है, इसको चेक करने के लिए हम सिंगल कोट डालेंगे। इसमें 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया हमको। ठीक है, अगेन फिर से हम कर देंगे, हमारा 200 ओके हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे एसक्यूएलआई वर्क कर रहा है। अगेन क्या चीज़ है, मैं सोल्यूशन ही देखता हूँ थोड़ा। तेरा गो टू प्रॉक्सी, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं इसमें। That your injection appears inside a single code string, and in the request add comment character to comment out the rest of the query, including the extra single code character that causing the error. तो अगर तुम यहाँ पे सिंगल रखते हो एंड कमेंट आउट इसको कर देते हो तो भी मे बी ये इरर फिक्स कर देगा सिंगल कोड के साथ। क्यों कर देगा मनीष? मैंने इस पर सिंगल कोड दिया इसको एसक्यूएलआई चेक करने के लिए क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमको 500 इंटरनल सर्वर एरर मिला। ठीक है, कर रहा है। अगेन किया, हमको 200 ओके मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे 100% एसक्यूएलआई वर्क कर रहा है। बट ये लैब ये कह रहा है कि अगर तुम इसको कमेंट आउट कर देते हो इसके बाद का कोड, तब भी तुम्हारा जो है क्वेरी फिक्स हो जाता है 200 ओके। इसका मतलब का मतलब क्या होगा? अच्छा, एक एक बात, मेरा एक क्वेश्चन मेरा था। तुमने वो जो डबल कोटेशन है एक वो मैंने लगा के देखा था, तो उसमें भी ओके दिखा रहा था। एक बार लगाया तब भी कहीं कहीं दिखाएगा, वो ब्लाइंड में दिखाता है, वो वहां पे कुछ भी वर्क नहीं करता। वहां पे तुम्हारा ये कभी नहीं, कभी कभी ब्लाइंड में ये भी होता है कि कुछ भी कर लोगे वो, क्योंकि पैरामीटर रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है वो एसक्यूएलआई। अगर वो एसक्यूएलआई दिखा ही देगा तो वो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे रह जाएगा फिर? वो फिर वो तो एरर में आ जाएगा ना, वो यूनियन बेस्ड में आ जाएगा या एरर बेस्ड में आ जाएगा वो। फिर अगर तुम किसी वेब एप्लीकेशन में सिंगल कोड डाल रहे हो और वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है कि हाँ 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, वो ब्लाइंड में थोड़ी ना रह जाएगा। या ब्लाइंड में भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्या पता वो दे दे, बाकी मान के चलो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने किया था वेलकम बैक के मैसेज वाला लैब, अगर तुमको याद होगा, मे बी 11th नंबर का लैब था, उसमें हमको वैल्यू रिटर्न हो रही थी, ना कि हमको कोई एरर रिटर्न हो रहा था। हम जब भी किसी पैरामीटर पर जा रहे थे, अगर वो वैल्यू ट्रू हो रही थी तो हमको वेलकम बैक का मैसेज रिटर्न हो रहा था, तो उसके थ्रू हम उसको जो है ट्रेस कर रहे थे कि हाँ अगर हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो क्वेरी चल रहा है वो ट्रू चल रहा है, मतलब क्वेरी फिक्स है, हमारी क्वेरी सही से चल रही है। ठीक, ये यही चीज़ कह रहा है कि इन द रिक्वेस्ट एड कमेंट कैरेक्टर टू कमेंट आउट द रेस्ट ऑफ द क्वेरी इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा सिंगल कोट कैरेक्टर दैट काउजिंग द एरर। जब भी हम सिंगल कोटेशन लगा रहे थे तो वहाँ पे वो क्या कह रहा था, एरर दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल सी बात है, तुमको भी पता है। बट जब हमने सिंगल कोट के बाद इसको कमेंट आउट कर दिया रेस्ट ऑफ द कोट को,
इसके बाद की क्वेरी जो ट्रैकिंग आईडी के बाद की कोई भी क्वेरी चल रही होगी, सारी की सारी क्वेरी जो है कमेंट आउट हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये मान के चलो ये क्लोज हो गया यहाँ पे ये चीज़। यहाँ पे ये अगर देखो, यहाँ पे ये क्वेरी हमारी जो पहली क्वेरी जो भी चल रही होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ट्रैकिंग आईडी वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो हमारा जो क्वेरी था यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद जब हमने कमेंट कर दिया, इसके बाद कुछ भी क्वेरी चल रहा होगा एसक्यूएलआई का वो चीज़ रन नहीं करेगा। ये तुमको नॉर्मल सी बात है, पता होनी चाहिए अगर इतने लैप कर लिए हो तो। ठीक है, अगेन ये क्या कह रहा है, सेंड द रिक्वेस्ट कन्फर्म यू नो लॉन्गर रिसीव एन एरर, हमने कर लिया। अडॉप्ट द क्वेरी टू इंक्लूड द जेनरिक सेलेक्ट सब क्वेरी एंड कास्ट द रिटर्न वैल्यू टू इंट डेटा टाइप। अभी देखो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। मैं एक काम करता हूँ, पूरी क्वेरी उठा लेता हूँ। मैंने ना 11वीं और 10वीं लैब, 11वीं और 12वीं लैब करी नहीं है अभी, तो मुझे इसमें थोड़ा कुछ समझ में आ नहीं रहा देखो ज्यादा। ये क्वेरी क्या करेगा, तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी के बाद जब भी हम इस एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, यहाँ हाँ पे बेसिकली क्या करेगा, एंड का मतलब तो समझ में आ ही गया कि ये भी क्वेरी हमारा ट्रू होना चाहिए। एंड अगर एंड का कंडीशन लग रहा है तो उसके बाद की भी जो क्वेरी होगी वो ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं इतना मान के चलो, मुझे नहीं पता कि ये ट्रैकिंग आईडी वैलिड है वहाँ पे कि नहीं वेब एप्लीकेशन का, तो मैं जस्ट इतना ही पार्ट इसका कॉपी करूँगा एंड अगेन। मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वायरल इनकोडिंग कर देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती हर जगह। अगेन ये हमको क्या कह रहा है, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। अभी इसको समझो, ये इंटरनल सर्वर एरर दे क्यों रहा है, ये इंटरनल सर्वर एरर तुम्हारा इस वजह से दे रहा है क्योंकि तुमको नॉर्मल सी बात पता है, जब भी तुम किसी बूलियन ऑपरेटर का यूज करते हो लाइक एंड और, वहाँ पे जो भी चीज़ें तुम वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो एज अ बूलियन में ही प्रोवाइड करते हो, लाइक वन इज इक्वल टू दिस, वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू टू, वन इज इक्वल टू जीरो, चाहे वो ट्रू हो फॉल्स हो वो बात की बात है, बट वैल्यू जो भी प्रोवाइड होगी वो बूलियन वैल्यू में ही प्रोवाइड होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट क्या कह रहा है, कास्ट कर दो। और कास्ट का यूज़ बेसिकली एसक्यूएल में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी गूगल करके थोड़ा पढ़ लेना, समझ लेना कास्ट का यूज़ क्यों किया जाता है डेटाबेस में। बेसिक इतना ही समझो कि एक डेटाबेस से एक डेटाबेस टाइप में से दूसरे डेटाबेस में टाइप में चेंज करने के लिए कास्ट का यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। ये कह रहा है सेलेक्ट वन एज इंट, बट यहाँ पे एंड के साथ इसने बूलियन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू है लाइक वन इज इक्वल टू दिस या वन इज इक्वल टू टू या वन इज इक्वल टू कास्ट, ऐसा कुछ है? हेलो, कहाँ गायब हो गए सर? यही हूँ। तो वही है, एंड में भी इसने भी बताया ही होगा, सेंड द रिक्वेस्ट ऑब्जर्व दैट यू नाउ गेट अ डिफरेंट एरर सेइंग दैट एन एरर एंड कंडीशन मस्ट बी अ बूलियन एक्सप्रेशन, एंड इसको रिस्पॉन्स में भी चेक करो, यहाँ पे ये देगा जो भी एरर है ना, ये तुमको यहाँ पे मिलेगा लाइक दे रहा है। देखो एरर क्या आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ एंड मस्ट बी टाइप बूलियन नॉट टाइप इंटीजर, ओके पोजिशन 63, एंड अगेन वही चीज होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी अगर तुम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो वहां पे उसकी वैल्यू जो भी होगी वो बूलियन ऑपरेटर में होगी, लाइक वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू टू, वन इज इक्वल टू कास्ट, सेलेक्ट, जो भी होगा वो बूलियन में होगा। वो बात की बात है कि वो वैल्यू ट्रू होती है फॉल्स होती है वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, वो कैसे रन करेगा वो बात की बात है, ठीक है। तो अगेन सेंड द रिक्वेस्ट ऑब्जर्व दैट यू गेट अ डिफरेंट एरर, हमको एरर मिला, एंड मॉडिफाई द कंडीशन अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिंपली एड अ कंपेरिजन ऑपरेटर। अभी देखो यहाँ पे क्या किया इसने, वन इज इक्वल टू कास्ट, जस्ट क्या किया एंड के बाद वन इज इक्वल टू कर दिया। तो अगर इस कंडीशन को हम रन करेंगे तो ये हमारा बूलियन वैल्यू में ही जा रहा है, ये तो सबको पता होगा, यूज हाँ ये भी बूलियन में बिल्कुल। ही जा रहा है ना, वन इज इक्वल टू दिस वैल्यू कुछ भी हो, वो तो बाद में ये कंपैरिजन करेगा, वो अगर वैल्यू इसके बराबर में आ रही है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये तो ट्रू ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ हम इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं एंड सेंड करते हैं, 200 ओके मिल गया अभी हमको, वैसे
पहले हमको बिल्कुल जस्ट इसी वजह से नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने बूलियन वैल्यू नहीं यूज की थी, जस्ट कास्ट से यूज किया हुआ था, कास्ट सेलेक्ट वन एज इंट, जो कि मतलब जो भी है कि वन को एज इंट कन्वर्ट कर दो या जो भी है, बट वहां पे वो बूलियन वैल्यू नहीं थी। बट अभी वो चीज है कि वन इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि एंड वन इज इक्वल टू कास्ट कर दो इस स्टेटमेंट को एज अ इंट। अभी ये कन्वर्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बट हमको 200 ओके का रिस्पांस मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्वेरी है वो क्वेरी फिक्स हो गया है, हमको एरर जनरेट नहीं हो रहा है। बट कुछ ना कुछ तो दे रहा होगा, एक बार ही रुको मुझे चेक करने दो। नहीं दे रहा, एरर नहीं दे रहा अपने को। ठीक है, एंड अगेन सेंड द रिक्वेस्ट कन्फर्म दैट यू नो लॉन्गर रिसीव एन एरर। हमने देख लिया हमको एरर नहीं मिल रहा है जब हम बूलियन एज अ बूलियन वैल्यू दे रहे हैं। दिस सजेस्ट दैट दिस इज अ वैलिड क्वेरी। अगेन मैंने बता दिया ये तुम्हारी क्वेरी जो है अभी वैलिड हो चुकी है। ओके, सो ठीक है। डिलीट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग आईडी। नहीं ये नहीं है, अडॉप्ट योर जेनरिक सेलेक्ट स्टेटमेंट सो दैट इट रिट्रीव्स यूजर नेम फ्रॉम द डेटाबेस। अभी हम क्या करेंगे, जब हमारी क्वेरी फिक्स हो गई है, मैंने स्टार्टिंग में ही सबको बताया था सबसे पहला ट्राई करो हमेशा अपनी क्वेरी को फिक्स कर लो, क्योंकि जब भी तुम्हारी क्वेरी अगर फिक्स हो जाएगी ना उसके अंदर तुम अपना कोई भी स्टेटमेंट डालोगे, अगर वो वैल्यू डेटाबेस पे फिक्स हो पा रहा है तो वो तुमको रिट्रीव करके देगा ही देगा। बट अगर तुम्हारी क्वेरी कितनी भी सही होगी, अगर तुम्हारा क्वेरी फिक्स ही नहीं है, लाइक कमेंटिंग तुम्हारा सही नहीं है या तुमने कोटेशन सही से नहीं डाल रखा है, तो तुम्हारी क्वेरी कितनी भी ठीक हो वो इरर ही जनरेट करेगा। ठीक है, अभी हमारी क्वेरी फिक्स हो चुकी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अडॉप्ट योर जेनरिक सेलेक्ट स्टेटमेंट सो दैट इट रिट्रीव्स यूजर नेम फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे और इस कमांड का यूज जो है ये क्या कह रहा है, एंड कास्ट वन इज इक्वल टू कास्ट सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर्स के यूजर्स टेबल है तुम्हारा और यूजर नेम का कॉलम। ठीक है, हम ट्राई करते हैं क्या ये हमको यूजर नेम के कॉलम में से कोई भी वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं इसको सेंड करता हूँ, एंड अगेन हमको 500 का इंटरनल सर्वर एरर मिला। और एरर क्या मिला ये चीज देखो, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल स्टार्टिंग एट पोजीशन 95 इन एसक्यूएल सिंटैक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रैकिंग वेयर आईडी। ये देखो तुम्हारी पूरी की पूरी क्वेरी दे रही है, जो कि बैकएंड पे जो क्वेरी रन कर रही है ना, पूरी की पूरी क्वेरी तुमको दे रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था हमको, मे बी अभी तक के किसी भी लैब में ऐसा नहीं मिला हमको कि पूरी बैकएंड की क्वेरी हमको दिख रही हो कहीं पे। बिल्कुल यहाँ पे ना ये तुमको, और इसीलिए लैब का नाम भी तुम देख लो, विजिबल एरर बेस्ड है, उससे भी तुम थोड़ा सा समझ सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल स्टार्टेड एट पोजीशन 95 इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रैकिंग वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस 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 एंड वन इज इक्वल टू कास्ट सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स एज, एंड एज के बाद ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कार। हमने क्वेरी कितना दिया हुआ था इसको एज इंट, हमारा जो है ये चीज यहाँ से गायब हो जा रहा है। इस चीज को अगर तुम देखोगे इंट एंड स्मॉल ब्रैकेट एंड कमेंट आउट का जो सेक्शन है वो यहाँ से गायब हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं, एज के बाद कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्वेरी ये इंट कर दे रहा है एज के बाद। मनीष पीयूष हेलो, हेलो यीशु, यूँ चला गया। तुम कहाँ गए वो? मैं तो यही हूँ, ये चीज देखो, लेकिन मैं तुम्हें सही बता, मैं अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैं 11 और 12 लैब करूंगा तब समझ में आ रहा है। ये चीज बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे हमने क्वेरी क्या डाली हुई थी, पूरी यहाँ तक डाली हुई थी, एंड वन इज इक्वल टू कास्ट सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स एज इन एंड हाइफन 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 कमेंट। अगर तुम अभी करेंटली देखोगे यहाँ पे तो ये जस्ट एज तक ही क्वेरी हमारी रन कर रहा है, मतलब जो भी ये तो हाँ बैकएंड पे चल रहा है तो वो पूरी की पूरी क्वेरी दे रहा है वो बैकएंड के थ्रू, बट हम सिंपल क्वेरी डाल रहे हैं जिसको ये एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करके हमको दे रहा है यहाँ पे एरर में। तो यहाँ पे अगर तुम फोकस करोगे तो एज के बाद ये आगे का नहीं दे रहा है, हमने जो पूरी क्वेरी दी थी लाइक इंट एंड स्मॉल ब्रैकेट एंड हाइफन हाइफन, इतना पार्ट ये कट कर जा रहा है, मतलब ये पार्ट क्वेरी जा ही नहीं रही है, क्वेरी में जा ही नहीं रही है बैकएंड पे, जिसकी वजह से हमको इरर मिल रहा है।
और एरर मिल इस वजह से रहा है, मैंने पहले ही बताया क्वेरी फिक्सिंग हो ही नहीं पा रही है। क्वेरी तो वैलिड है तुम्हारी, ये जो तुमने क्वेरी दी है क्वेरी वैलिड है, बट क्वेरी रन जब कर रही है वो, चाहे उसके पास करेक्टर्स का स्पेस कम हो या जो भी हो, उसके वजह से वो जस्ट इतने तक ही लोड कर पा रहा है, उसका बफर साइज हो या कुछ भी हो वो इतना ही लोड कर पा रहा है, इसके आगे का पार्ट ना वो नहीं इनपुट ले पा रहा है, वो इतने पे आके वो डायरेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेरी एंड कर दे रहा है। उसके लिए हमारे पास एक उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा ये ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन है हम इसको पूरा हटा देंगे जिससे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। मेबी अभी भी कोई एरर है क्या चीज़ है, ऑब्जर्व दैट यू रिसीव एन इनिशियल, हाँ ये तो हो गया, नोटिस दैट यू क्वेरी नाउ अपीयर्स टू बी ट्रंकेटेड ड्यू टू करेक्टर लिमिट, ये देखो करेक्टर लिमिट बता रहा है ना कि ये जो क्वेरी चल रही है इसमें करेक्टर्स की लिमिट लगी हुई है कि कोई भी क्वेरी चलेगी तो इतने करेक्टर्स तक ही चल सकती है, बट अगर जब भी हम ट्रैकिंग आईडी के साथ चला रहे हैं उस क्वेरी को, तो ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन जो है उसकी वजह से क्वेरी हमारी जो है एक लिमिट से ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो उसकी वजह से वो पूरी क्वेरी सही से रन नहीं कर पा रही। सो एज अ रिजल्ट द कमेंट करेक्टर्स यू एडेड टू फिक्स अप द क्वेरी आर नॉट इंक्लूडेड, ये देखो कह रहा है जो हमने कमेंट का सेक्शन ऐड किया हुआ है वो वहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्वेरी हमारी रॉन्ग हो जा रही है। सो डिलीट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग आईडी कुकीज टू फ्री अप सम एडिशनल कैरेक्टर, रिसेंड द रिक्वेस्ट, करी तो हमारा सही है, फर्स्ट यूजर नेम फ्रॉम एज इंट, ऐसा क्यों दे रहा है एरर, ऑब्जर्व दैट यू रिसीव एन इनिशियल एरर मैसेज अगेन, नोटिस दैट योर क्वेरी नाउ अपीयर्स टू बी ट्रंकेटेड ड्यू टू करेक्टर लिमिट, ये चीज तो हमने कर लिया, नोटिस दैट यू रिसीव अ न्यू एरर मैसेज, अब की बारी क्या मैसेज ये दे रहा है हमको, ये चीज चेक करें पहले हम, मोर देन वन रो, हाँ देखो यहाँ पे भी एक एरर है, मैंने भी फोकस नहीं किया उस चीज पे, मोर देन वन रो रिटर्न बाई सब क्वेरी यूज एज एन एक्सप्रेशन, अभी यहाँ पे जब भी हम ये क्वेरी चला रहे हैं क्वेरी तो सही चल रही है, बट हमारा जो क्वेरी है इसमें अगर तुम देखोगे सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स, और जो यूजर्स का टेबल है ये इसमें बहुत सारे यूजर नेम हो सकते हैं, लाइक यूजर नेम का कॉलम जो है इसमें बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, तो वो उसकी वजह से वो सारे डेटा को फेच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमको एरर मिल रहा है। इसके लिए हमने मैंने बता रखा है सबको, अगर तुमको इसको फिक्स करना है तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लिमिट लगा के एक वैल्यू दे दोगे तो जस्ट एक ही वैल्यू तुमको ये प्रोवाइड करेगा, लिमिट वन ही होना चाहिए, सेलेक्ट यूजर नेम एज वन, क्या हो रहा है देखो, हमने जब लिमिट वन लगा दिया तभी ये एरर दे रहा है, बट अगर एरर मैसेज तुम चेक करोगे तो यहाँ पे हमको जो यूजर नेम का कॉलम है उसमें से एक वैल्यू ये एरर एज अ एरर ही दिया, बट एक वैल्यू हमको इसने प्रोवाइड कर दिया जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर, और तुमको पता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर ही फाइंड आउट करना था कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो उसका पासवर्ड हमको निकाल कर लॉग इन करना है, ठीक है। ओके सो आगे का हाँ जो ठीक है है, अभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट वन जैसे हमने यूजर नेम के लिए किया है वैसे हम यहाँ पे पासवर्ड का भी कर सकते हैं, यूजर नेम तो हमको फाइंड आउट हो गया कि जब हम लिमिट लगाए थे तो हमको एक यूजर नेम इसने प्रोवाइड किया, एक सेकंड मेरा कीबोर्ड अभी भी, हाँ यहीं से देखता हूँ, सेंड द रिक्वेस्ट, ऑब्जर्व यूजर नेम के लिए तो दे दिया, सेंड द रिक्वेस्ट ऑब्जर्व दैट द एरर मैसेज नाउ लीक्स द फर्स्ट यूजर नेम फ्रॉम द यूजर टेबल, जब हमने लिमिट वन लगाया हमको सबसे पहला यूजर नेम जो था वो एडमिनिस्ट्रेटर का ही हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद नाउ दैट यू नो दैट द एडमिनिस्ट्रेटर इज द फर्स्ट यूजर इन द टेबल, मॉडिफाई दिस क्वेरी वंस अगेन टू लीक द डियर पासवर्ड, सो अगेन जस्ट हम यूजर नेम की जगह पे पासवर्ड का कॉलम यूज करेंगे, और मे बी मैंने किया हुआ है या नहीं छोड़ो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को,
देखो कि ये फिर से इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, बट जैसे हमको यूजर नेम मिला था, मे बी उसका पासवर्ड भी हमको मिल जाए, और हमको पासवर्ड मिल गया है, ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का अभी। थोड़ा सा फोकस रहा करो, मैं बोलता रहता हूँ, रिप्लाई नहीं आता है, बिल्कुल और मुझे डर लगता है कि मीटिंग तो नहीं क्लोज होगी क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है बार बार। नहीं, मेरा मैं बीच में एज वो अ चला गया था एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा यूजर यहाँ लाइट। पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ, और हमारा लैब जो है सॉल्व हो चुका है। और इसको करना, इसको बहुत नॉर्मल सा लैब है, बस इतना जान लो कि जो भी तुम्हारा एरर मिलेगा उसको रिस्पॉन्स में जरूर चेक करना कि एरर क्या दे रहा है, और उस एरर को ध्यान से समझना कि वो एरर कह क्या रहा है। जैसे सबसे पहले इसने दिया हमको कि क्वेरी हमारी वैलिड नहीं है, बूलियन वैल्यू चाहिए, तो हमने वन इज इक्वल टू करके दिया, ऐसा वैल्यू दिया वन इज एंड वन इज इक्वल टू कास्ट कर दो। दूसरी बारी जब हमने किया तो वहां पे वो क्या आ रहा था, करेक्टर लिमिट लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा क्वेरी जस्ट इतना ही चल रहा था, इसके इधर का नहीं चल पा रहा था क्योंकि करेक्टर लिमिट लगा था। जब हमने इन करेक्टर्स को हटा दिया, ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारी पूरी क्वेरी रन कर गई, और हमको जब वो क्वेरी फिक्स हो गई तो उसके बाद हमने यूजर नेम निकाला, एंड उसके बाद जस्ट हमने पासवर्ड निकाला और हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है मनीष, ठीक है, हाँ क्लाइंट एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेस, बहुत ही मसला है भैया, अच्छा मसला। अभिषेक, रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ हो रही है, मैं लीव करता हूँ, ठीक है, मुझे जरा सुना। ओके, कोई इशू नहीं। यूज देखना इस लैब को, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा लैब होगा मे बी। क्या कह रहा है ये, दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग आईडी पे ही करा रहा है अभी बेसिकली, एंड परफॉर्म्स अ एसक्यूएल क्वेरी कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ सबमिटेड कुकीज, द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी आर नॉट रिटर्न, मे बी हाँ ये ब्लाइंड एसक्यूएल है ना तो रिटर्न नहीं करेगा कोई भी वैल्यू, एंड द एप्लीकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी डिफरेंटली बेस्ड ऑन वेदर द क्वेरी रिटर्न एनी रो और कॉज एन एरर, हाउएवर सिंस द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनसली इट इज पॉसिबल टू ट्रिगर कंडीशन टाइम डिलेज टू इन्फर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टू कॉज अ 10 सेकेंड डिले। मैं यहाँ पे चिटशीट का यूज करूँगा, देखना पड़ेगा मुझे कमांड्स। वेट अ मिनट, प्रॉक्सी एचटीटीपी हिस्ट्री, बिल्कुल क्लियर हिस्ट्री, ओके। अगेन मैं सेम इसको जैसे मैंने लास्ट लाइन में किया हुआ था, सेम इस पे मैं कर लूंगा, मुझे गेट मिल गया है, इसको हम रिपीटर पे सेंड करेंगे, एंड फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा एसक्यूएलआई वर्क कर रहा है या नहीं। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये ब्लाइंड है तो क्या पता ये कुछ भी रिप्लाई रिप्लाई भी ना दे। देखो 200 ओके दे रहा है ना, जबकि अगर ये यूनियन बेस्ड होता है या एरर बेस्ड होता तो यहाँ पे ये 500 इंटरनल सर्वर एरर दे देता, हाँ ठीक है, बट हमको हमारा लैब बोल रहा है कि ट्रैकिंग आईडी कुकीज के सेक्शन में हमारा जो है एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ट्रैकिंग आईडी इसने बता के रखा है, द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग कुकीज फॉर एनालिटिक्स एंड परफॉर्म एसक्यूएल क्वेरीज कंटेनिंग अ वैल्यू ऑफ सबमिटेड कुकी, यहाँ पे यही चीज है करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा वो चीज चीट सीट है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमको पिंग पिंग का अटैक करना है सर्वर पे कि हमारा सर्वर मिनिमम 10 सेकेंड बाद ही रिप्लाई करे, मतलब जो भी पेज रिलोड होगा वो 10 सेकेंड का टाइम लेके रिलोड होगा, और उसका होगा इस पे मे बी देख लो टाइम वेस्ट में होगा, टाइम डिले है ना, सेलेक्ट कीजिए। अगर मैं इन चारों को कॉपी कर लूँ, अभी देखो हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा डेटाबेस टाइप क्या है, हाँ हमको ये नहीं क्लियर है ना कि हमारा डेटाबेस टाइप क्या है,
बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, फिर से कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना। अगर हमारा ये ओरेकल डेटाबेस होगा तो वहां पे हमारा जो है इस कमांड के थ्रू, अगर अगर हम इस पेलोड का यूज करेंगे या इस कमांड का यूज करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन जो है वो अगर 10 सेकंड का डिले लेता है पेज को रिलोड करने में, तो सबसे पहली बात तो ये हमारा हो जाएगा कि वो डेटाबेस टाइप जो है वो ओरेकल है, और दूसरी बात ये कि हमारा लैब भी सॉल्व हो जाएगा। एंड यही सेम प्रोसेस हर एक डेटाबेस के टाइप के लिए रहेगा, बट हमको यहाँ पे ये डेटाबेस नहीं बता रहा है कहीं पर कि ये ओरेकल है या क्या है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एक एक को करके ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड उसका स्टेटमेंट जो होगा तुम्हारा, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रैकिंग आईडी के बाद तुम उस क्वेरी को क्लोज करोगे एंड साथ में उसको ऐड करोगे। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कोड को तुम कमेंट आउट करोगे। यदि ऐसे ही होगा मैं भी देख लूं, कंफ्यूजन ना हो। ट्रैकिंग दिस दिस दिस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और ट्रैकिंग आईडी के सेक्शन पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, अगेन मैं इसको सेंड अगर करूँ, ये 10 सेकंड का टाइम नहीं ले रहा नहीं है, लिया। ये तुरंत के तुरंत रिफ्रेश हो गया। और अगर तुम टाइम देखोगे 186 मिली मिले सेकेंड सेकंड में ये पेज को रिफ्रेश कर दिया इसने। अगेन हम क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे, सिंगल कोट करेंगे एंड क्वेरी क्लोज तो नहीं होगी ये, पता चले क्वेरी भी क्लोज हो रही है। वेट करना, नहीं क्वेरी क्लोज नहीं है, नहीं क्वेरी दूसरी सिंपल यही है ना, वो पेलोड तो यही वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें कमेंट वो तो कर कमेंट आउट। हाँ वो तो टाइमिंग का है, उसका वो इश्यू नहीं है। हाँ, सेम ही पेलोड सारे चीजों के लिए रहेगा, और ये चीज तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि जो हम सिंगल कोट कर रहे हैं इससे हमारा जो पहले का क्वेरी है वो क्लोज हो रहा है, और ये एंड ऑपरेटर का साइन है कि मतलब यहाँ पे चाहे तुम एंड लिखो या इसको करो, यहाँ पे ये ऑपरेटर ही वर्क कर रहा है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक एंड मैं इसको अगर इस क्वेरी को यहाँ पे अगर एंटर करूँ एंड रिक्वेस्ट को सेंड करूँ, क्या ये 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, ये भी नहीं ले रहा। ठीक है, सेम चीज़ मैं इस पे करूँगा, सिंगल कोट एंड सेलेक्ट पीजी स्लीप एंड रेस्ट ऑफ द कोड को कमेंट आउट। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल बी एंड रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, ये भी नहीं लिया। बट एक सेकेंड को, लैब में तो इस पे ही था मे बी, पीजी स्लीप यस एक बार ही दिखाई हो वो समिदली, कमांड अपनी, कोई इशू है क्या कमांड में, सेलेक्ट पीजी स्लीप ये स्पेसेस वगैरह नहीं आएंगे आई थिंक। ये चीज। ऐसे होना चाहिए, मैंने किया हुआ था, स्पेस कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेता हूँ, क्या पता यही गलती हो। और सेलेक्ट और पीजी के बीच में भी, सेलेक्ट पीजी के बीच में, हाँ मतलब उसमें जो देख रखा है। हाँ ये देख, अच्छा सेलेक्ट नहीं डालना, हेलो सॉरी सेलेक्ट नहीं डालना, वहां पे डायरेक्ट डालना यस पीजी स्लीप। वही मैं कह रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रहा है। अभी देखो ये चीज गया जो है हमारा 10 सेकंड का मिनिमम टाइम ये लेगा, उसके बाद ही पेज को रिफ्रेश करेगा। वहां पे क्वेरी, तब ऊपर वाली क्वेरी में भी गलती हो सकती है, बट सॉल्यूशन में भी यही था वो, तो मैं देखो तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं तुमको दिखा दिया, बाकी ऐसा नहीं कि हमेशा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही जाओ, हर एक चीज को ट्राई करो, उससे क्या होगी तुम्हारी प्रैक्टिस बेस्ट होगी, हर एक डेटाबेस टाइप पे तुम कर सकते हो। ठीक है, ये लैब भी सॉल्व हो बिल्कुल गया हमारा।
अभी तुम अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट उठा के बता देता बस क्या पोस्ट ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का ही था ना ये। हाँ तुम्हारा क्या होता, तुम्हारा ओरेकल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, दूसरी बात माइक्रोसॉफ्ट पे भी तुम ट्राई नहीं करते इसकी वजह से, बाकी मुझे भी पता था लैब इसी पे होना है। ठीक है तो इतना लैब कर लो, बाकी आगे काम करते हैं, हो पाएगा तो शाम को फिर हम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक और है एसक्यूएल ठीक बहुत जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद हर एक टॉपिक को हम ट्राई करेंगे 1-2 दिन में खत्म करने का, ज्यादा लैब्स है नहीं। बिल्कुल ओके ठीक है ठीक है।